ये है आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी से एक अच्छी खासी खबर आ रही है दे प्यार दे के बारे में। ये फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसके अलावा इस फिल्म से जुड़ी हुई जो भी चीज़ है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल सबसे पहले तो एक अलग तरह की फिल्म है जहां पर हम पहली बार देखेंगे अजय देवगन को रकुलप्रीत सिंह के साथ, जो साउथ की सुपर एक्ट्रेस हैं, और तब्बू के साथ अजय देवगन की जोड़ी तो पहले से काफ़ी अच्छी जमती है तो लोगों को पसंद आने ही आने वाली है। अब फिलहाल चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बात यहाँ पर एक चीज़ है कि इस फिल्म का पेड प्रीव्यूज़ होगा, यानी कि एक दिन रिलीज़ से एक दिन पहले ये फिल्म शाम से चालू हो जाएगी, क्योंकि इस फिल्म का बज़ बहुत है तो मेकर्स इस फिल्म को भुनाना चाहते हैं। जैसे पद्मावत जिस दिन शुक्रवार तो उसके एक दिन पहले रिलीज़ हुई थी, तो सेम उसी तरह से ये जो फिल्म है ये एक दिन पहले रिलीज़ होगी दे दे प्यार दे। और मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा दूँ तो 2 घंटा 15 मिनट की फिल्म है और यहाँ पर मैं हैदराबाद का ओपन कर चुका हूँ स्क्रीन काउंट, सॉरी क्या बोलते शोज़, और यहाँ पर देख सकते हैं हैदराबाद के AMV सिनेमाज में और इसके अलावा एशियन सिनेप्लेक्स में, एशियन सिनी स्क्वायर में। यहाँ पर ऑलरेडी शोज देख सकते हैं 8 बजे का शाम को है, सोल्ड आउट हो चुका है ना, कुछ शोज सोल्ड आउट हो चुके आगे के, और यहाँ पे आगे भी और जल्दी सोल्ड आउट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे आपको लेना है तो फटाफट ले लो, ये बुक हो जाएगा ठीक है AMV सिनेमाज में। इसके अलावा बाकी सिनेमाज आप देख सकते हैं, सिनेपोलिस है, सिनेपोलिस यहाँ का जो भी है कम से कम 12-13 तो जगह पे ऑलरेडी यहाँ पे कुछ सोल्ड आउट हो चुका है आई थिंक, या फिर अभी तक चालू ही नहीं हुआ होगा, आई डोंट नो। बट स्टिल ये जो शोज है ये 8 बजे के यानी कि सबसे पहला जो शो है ना एक दिन पहले का, रिलीज से एक दिन पहले का, वो 8 बजे से है अगर आप देख सकते हैं ना। तो उसके अलावा अगर हम कोशिश करते कहीं और देखने की, क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे, चलो अगर NCR में देखते तो समझ में आ जाएगा भी क्लियर चीजें क्या है। जी हाँ, NCR में भी चालू हो चुका है दोस्तों, और यहां पर भी आप अगर फिल्म देखना चाहते हो 7:20 का सबसे पहला शो है गुरुवार की बात करो। टिकट्स रेट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, है थोड़े बहुत महंगे हैं नॉर्मल टिकट रेट से, तो यस आपको थोड़ा सा ज़्यादा बड़े फ़ैन है तो आप इसे इतने टिकट्स सॉरी इतना महंगा टिकट खरीद भी सकते हो। तो आप देख सकते हैं दिल्ली में अच्छा शोज़ है, और इसका मतलब साफ है दिल्ली में है, हैदराबाद में है, तो मुंबई में तो होना ही होना चाहिए। और मुंबई की चलिए बात कर लेते हैं, मुंबई की बात कर लेते हैं यहाँ पर। जी हाँ, मुंबई में भी अगर जिसे देखना है तो पहले देख सकता है शोज़, और टिकट रेट्स थोड़े से हाई फंडू है लेकिन कम बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं है। एटलीस्ट मूवी टाइम हब में तो ठीक ठाक 220 का रेट है, कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है जिसे देखना है देख सकता है। और यहाँ पे मिराज अनुपम में भी अच्छे खासे रेट्स है, तो लेट्स सी हाउ थिंग्स गोज ऑन। और मेरा तो मन करता है कि मिराज में जाके देख लो, लेट्स होप कैसे होगा, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। तो देर आर मेनी ऑप्शंस, मे बी आई शुड उसी दिन देख पाऊंगा तो देख पाऊंगा, अदरवाइज मैं दूसरे दिन देखना पड़ेगा। बट येस चालू हो चुकी है इसकी एडवांस बुकिंग, तो कितने खुश है इस फिल्म को लेकर, जिसकी ये सब पेड प्रीव्यूज है राइट, यानी कि आप एक हद तक समझ लीजिए कि एडवांस बुकिंग चालू हो चुकी है विद पेड प्रीव्यूज, यानी कि फर्स्ट डे का कलेक्शन बेहतर होगा, क्योंकि फर्स्ट डे कलेक्शन हमेशा ही पेड प्रीव्यूज जोड़ कर आता है। जिसकी पद्मावत का 19 करोड़ था और पेड प्रीव्यूज में इस फिल्म में 5 करोड़ कमाई थी पद्मावत ने, तो हुआ था टोटल कलेक्शन 24 करोड़। तो इस आपसे कलेक्शन अच्छा खासा रिकॉर्ड बना सकता है, तो कितने खुशी इसका बस जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। चलिए फिलहाल कितना ही, जिन्होंने खबरें बताई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।